आइए नासरीन, आज हम आपको माश की दाल राइस कुकर में बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको धो लेना है और 1.5 कप माश की दाल है जो हमने ली है और इसमें हमने 2.5 कप पानी डालना है। अभी हमने ये भिगोई नहीं हुई, अब ये 2.5 कप में ही करीबन आधा घंटा एक घंटा भीगी रहने दें। 3/4 टीस्पून जो है वो भर के 5 ml का आपने इसमें सॉल्ट का डालना है और इसी तरह पर 3/4 टीस्पून भर के आपने चिली पाउडर का, 3/4 टीस्पून भर के आपने कोरिएंडर पाउडर का, 3/4 टीस्पून भर के आपने क्रश चिली का और 1/2 टीस्पून आपने क्यूमिन सीड्स का, 1/3 टीस्पून जो है वो आपने टर्मरिक का डालना है यानी कि हल्दी का और इसको हमने इस तरह पर राइस कुकर में रख देना है। 1 टीस्पून हमने इसमें जिंजर पेस्ट का डालना है जो कि शान का है, अच्छा है। यूजुअली हम पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन ये है कि जब आपने फौरी तौर पर बहुत सारी चीजों के साथ एक माश की दाल भी तैयार करनी हो तो उस वक्त आप इसको इस तरीके से बेहतरीन तैयार कर सकते हैं। ना कोई जुड़ने का आपको डर रहेगा, ना ज्यादा गलने का, ना घुलने का, दाना दाना अलग अलग नफीस माश की दाल आपकी तैयार होती है। और माश की दाल बनाना जो है वो वैसे इतना आसान नहीं है लेकिन ये राइस कुकर जो है ये काम बहुत सलीके से कर देता है। तो 1 टीस्पून फुल हमने गार्लिक का डाला है, 1 टीस्पून फुल ही हमने जिंजर का डाला है, बराबर ही डाली है। अब हमने एक अनियन जो है मीडियम टू लार्ज साइज का उसको बहुत थिनली स्लाइस करना है। ये हमने पूरा नहीं लेना, 3/4 लेना है। 1/2 कप करीबन ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, और उसमें हमने ये अनियंस जो है गुलाबी कर लेने हैं। ऑयल कम ना लें वरना आपकी दाल में वो फर्क रह जाएगा जो कि पुलाव में और उबले हुए चावलों में होता है। और राइस कुकर जो है उसको अब करीबन 40 मिनट्स हो गए हैं कि दाल उसमें भीग चुकी है और हमने उस वक्त उसको ऑन कर देना है और साथ ही हमने 5 to 6 ग्रीन चिलीज जो है वो उसमें डाल देनी है। अब दाल जो है वो खुद ब खुद पकती रहेगी। कुछ देर के बाद आप देख लें, जिस वक्त इसको उबाला आ जाए उस वक्त आपने एक आध बार उसमें चमचा चला देना है। जिस वक्त उबाला आ जाए दाल को उस वक्त आप अनियंस का चूल्हा जो है वो ऑन कर दें और जब आप देखें कि दाल इस तरह की हो गई है कि पानी उसमें अभी थोड़ा बहुत बाकी है, थिक सी हो रही है, उस वक्त आपने ये तड़का जो है वो इसमें डाल देना है। 1/2 टीस्पून जीरा जो है वो उतारते समय हमने तड़के में जरूर डाला है और इसके बाद हमने इसको थोड़ा बहुत हिला लेना है। स्पून जो है वो बीच में से ना डालें ताकि आपकी दाल जो है वो टूटे नहीं। वैसे तो इस वक्त ये अभी काफी सख्त है लेकिन इसका पानी जो है वो बिल्कुल ही खुश्क होने को है। इस तरह पर इसको हिला दें और इसको अब आपने दोबारा से नहीं खोलना है, बस ये अब थोड़ी ही देर में बिल्कुल दम पे आ जाएगा राइस कुकर खुद ब खुद और ये तैयार हो जाएगी। जिस वक्त आप देखें कि इसका बटन जो है वो कुक से दम पे आ गया है, वार्म पे आ गया है, तो आप उस वक्त इसमें धनिया काट कर डाल दें और इसको फिर थोड़ा सा हिला लें तो जिस वक्त तक आपने सर्व करना होगा अब ये दाल जो है ये गर्म रहेगी। तो बहुत ही बेहतरीन दानेदार दाल जो है बहुत ही आसानी से आप इस तरह पर राइस कुकर में तैयार कर सकते हैं। राइस कुकर जो है वो आज की एक जरूरत है। राइस कुकर अगर आपने लेना हो तो सनबीम का लें क्योंकि सबसे अच्छा वही है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।